अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल केके न्यूज में। आखिर हो ही गई कैटरीना की शादी, अमिताभ और जया ने किया कन्यादान। कैटरीना कैफ की शादी सलमान के साथ होने वाली थी, लेकिन चीजें सही नहीं बैठ पाई और फैंस के लिए सलमान और कैटरीना की शादी एक सपना ही बनकर रह गया। कैटरीना की उम्र 36 साल हो चुकी है और अब तक वो कुंवारी है। हालांकि विकी कौशल के साथ उनके अफेयर की खबरें इन दिनों ट्रेंड कर रही थी, पर इनकी तरफ से इस पर कोई रिस्पांस नहीं आया। आजकल कैटरीना की कुछ ताजा तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। फोटो में कैटरीना दुल्हन के लिबास में सजी हुई दिखाई दी और बेहद खुश नजर आ रही थी। डिजाइनर मेहंदी की कैटरीना के हाथों की शोभा बढ़ाती हुई नजर आ रही है। फिर वह तस्वीर सामने आई जिनमें अमिताभ बच्चन और उनकी बीबी जया बच्चन कैटरीना का कन्यादान करते दिखे। ये सब देखकर फैंस कंफ्यूज हो गए हैं, लेकिन आप ज्यादा चौंकिए मत, क्योंकि असल में कैटरीना की शादी नहीं हुई है। ये फोटो एक गहने के ब्रांड की एड की शूट की है, जिसमें अमिताभ और जया कैटरीना के माता पिता का किरदार निभा रहे हैं। ये एड इतनी स्टिकता से शूट की गई है कि लोगों को लगा कि कैटरीना की सच में शादी हो चुकी है। शूटिंग के ब्रेक में कैटरीना अन्य लोगों संग ब्रांड गेम खेलती और मस्ती करती दिखाई दी। आपको बता दें, रणवीर से ब्रेकअप के बाद विकी पहले अभिनेता हैं जिनसे कैटरीना का नाम जुड़ा है। अब ये वक्त है कि विकी और कैटरीना के रिश्ते की खबरों में कितनी सच्चाई। अगर वर्क फट पे ध्यान दे तो कैटरीना और अक्षय की फिल्म सूर्यवंशी 27 मार्च के दिन रिलीज हो जाएगी। ये दोस्तों वीडियो कैसे, प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।